हेलो एवरीवन ये हमारा टेंथ आईसीएससी चैप्टर टू जो है उसका पार्ट uh, क्या कहते हैं फोर्थ है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इससे पहले के तीन पार्ट में कवर कर चुकी हूँ नाउ ये आईसीएससी के लिए मैंने वीडियो बनाई है बट दिस इज ऑल्सो वेरी मच यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स जो कि एनसीआर टी से पढ़ते हैं और काफी डेप्थ नॉलेज है इसके अंदर तो आपको यू uh, नो you know, आपके कंसेप्ट काफी अच्छे से क्लियर होंगे सो नाउ द टॉपिक इज नीड फॉर न्यू सेल्स यानी कि हमें नए सेल्स की जरूरत क्यों होती है यानी कि नए सेल्स अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है सो वॉट इज द रीजन बिहाइंड इट नाउ इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं ठीक है थीके? सबसे पहले तो हम उसको शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं सबसे पहले उसने बोला कि हमें नए सेल की जरूरत है ग्रोथ के लिए ठीक है उसके बाद उसने बोला कि हमें नए सेल की जरूरत है फॉर रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट मतलब कोई एक चीज थी अब उसकी जगह कोई नई चीज आ गई ठीक है उसके बाद अगर हमारी बॉडी में कोई नया रिपेयरमेंट होता है रिपेयर मतलब कोई चीज खराब हुई है उसको ठीक करना ये सारी चीजें आपकी रिपेयर के अंदर आ जाती हैं एंड फोर्थ इज रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन में कैसे ये अभी हम लोग पढ़ेंगे बट उससे पहले बाकी चारों मतलब तीनों पढ़ लेते हैं सबसे पहले है फॉर ग्रोथ देखो आपको भी पता है कि कोई भी प्लांट है या एनिमल है वो अपनी लाइफ स्टार्ट करता है एज सिंगल सेल कैसे स्टार्ट करता है वो अपनी लाइफ एक सिंगल सेल की तरह शुरू करता है ठीक है ये जो सेल होते हैं ना ये डिवाइड करते हैं बार बार डिवाइड करते हैं डिवाइड करते रहते हैं और उसके बाद क्या करते हैं ये एक क्लस्टर ऑफ सेल बनाते हैं दे फॉर्म अ क्लस्टर ऑफ सेल तो ये क्लस्टर ऑफ सेल्स जो बनाते हैं उससे क्या होता है जब इन्होंने क्लस्टर ऑफ सेल बनाया तो एक नया ऑर्गन या सॉरी नया टिश्यू नया कोई भी पार्ट बनना शुरू हो जाता है क्योंकि सेल क्या होता है टिश्यू क्या होता है बहुत सारे सेल्स का ग्रुप होना तो पहला फंक्शन जो है ग्रोथ यानी कि सेल डिवाइड करते हैं और वो क्या करते हैं टिश्यूज बनाते हैं ठीक है सेल्स डिवाइड करके टिश्यूज बनाते हैं उसके बाद क्या होता है सॉरी सेल डिवाइड टू फॉर्म क्लस्टर ऑफ सेल विच स्टार्ट शेपिंग फॉर डिफरेंट फंक्शंस टू फॉर्म टिश्यूज एंड ऑर्गन ठीक है वो जो सेल थे वो डिवाइड हो हो के हो के उन्होंने टिश्यूज एंड ऑर्गन बना दिए सेकेंड फंक्शन है फॉर रिप्लेसमेंट नाउ वॉट डज दैट मीन तो आपको भी पता है कि हमारी बॉडी में हमेशा कुछ ना कुछ कभी चोट लगती रहती है कुछ नया होता रहता है हमारी बॉडी में कोई सेल डिस्ट्रॉय होता रहता है तो ये सब क्या होता है वियर एंड टीयर है वियर एंड टीयर होने की वजह से हमारी बॉडी में क्या होता है ना सेल्स खत्म होते रहते हैं अब अगर सेल्स जो हैं वो खत्म हो रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको उसको रिप्लेस करके नए सेल्स भी लाने पड़ेंगे है ना तो आप नए सेल्स लाओगे तो ये इसी वजह से सेल्स प्रोड्यूस होते हैं ताकि जो बॉडी में वियर एंड हुआ है जो सेल्स खत्म हो रहे हैं उसकी जगह नए सेल्स आ जाए एग्जाम्पल दे रखा है जैसे कि टू मिलियन रेड सेल्स इन अवर बॉडी आर डिस्ट्रॉयड एवरी सेकेंड मतलब आप सोचो कि कितने सेल्स हमारी बॉडी में हर सेकेंड में डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और इनको रिप्लेस करने के लिए नए सेल्स हमारी बॉडी में बन रहे हैं और वो कैसे बन रहे हैं डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल यानी कि जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में नए सेल्स बन रहे हैं ठीक है किसके अंदर बोन मैरो के अंदर के आपको पता ही है बोन मैरो पे सेल प्रोड्यूस होते हैं स्पीन इज द ग्रेव यार्ड ऑफ द सेल्स ठीक है जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन बता रही हूं थर्ड पॉइंट आता है फॉर रिपेयर अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल वेयर एंड टीयर ऑफ टिश्यूज देर बी एक्सीडेंटल इंजरी एक तो होता है कि हर दिन सेल अपने आप डिस्ट्रॉय हो रहे हैं अपने आप नए बन रहे हैं बट कई बार हमें चोट लग जाती है ठीक है या फिर एक सिंपल सी बात है हम जब एक्सरसाइज करते हैं एक्सरसाइज करने के बाद हमारी बॉडी की जो मसल्स होती है वो ब्रेक डाउन होती है ठीक है हम बोलते हैं ना कि हमारी बॉडी की मसल्स ब्रेक डाउन हो रही है तो हमें उसके लिए प्रोटीन खाना चाहिए ताकि हमारी बॉडी को अच्छे से सेल्स बनाने का मौका मिले सो अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल वेयर एंड केयर ऑफ़ द टिश्यूज एक्सीडेंटल इंजरीज हो सकती हैं और ऐसी इंजरीज को रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं सेल्स डिवाइड करते हैं जहां पर भी, भी गड़बड़ हुई है उस गैप को कवर करते हैं अगर कोई चीज़ टूटी है उस ब्रोकन एंड को ठीक करने की कोशिश करते हैं कहीं चोट लगती है तो सबसे पहले डब्ल्यू बी सी वहां पहुंचते हैं पूरी बॉडी में सेल्स दोबारा से फंक्शनिंग शुरू होती है अगर बहुत ज्यादा चोट है तो इस ता, इस टाइम मतलब इस पूरे प्रोसेस को होने में मंथ लग जाते हैं तो एट द एंड थर्ड फंक्शन इज फॉर द रिपेयर ठीक है फॉर द रिपेयरमेंट एंड देन फोर्थ इज द रिप्रोडक्शन नाउ रिप्रोडक्शन में कैसे सो so, आपको भी पता है कि हमारे जो एम और बैक्टीरिया होते हैं ठीक है ये पढ़ते आ रहे हैं आप छोटी क्लासेस से वो डिवाइड करते हैं ताकि वो सिमिलर इंडिपेंडेंट सेल्स बना सके माइटोसिस से अच्छा इसको ना आप मार्क कर लीजिए थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद मतलब नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी वो माइटोसिस के बारे में आप और ज़्यादा अच्छे से जानोगे सो so, बेसिकली अब क्या हुआ हमारे जो एमेबा था एक एमेबा था उसने डिवाइड करके दो ऐसे बना लिए ठीक है उसने दो सिमिलर इंडिपेंडेंट सेल्स बना लिए तो अब ये जो हुआ है इसके लिए क्या हुआ आपका कोई भी चीज है यहाँ पे कौन सा प्रोसेस लगा है सेल डिवीजन लगा है सेल डिवीजन में क्या हुआ नए सेल्स बने तो रिप्रोडक्शन तभी तो होगा जब हमारा सेल बनेगा और अगर हम ह्यूमन की बात करें इन हाइयर फॉर्म्स एज ह्यूमन और द दैनियन ट्री स्पेशल सेल्स इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अंडर गो स्पेशल काइंड ऑफ सेल डिविजन टू प्रोड्यूस फॉर्म्स एंड गेस कुछ स्पेशल सेल्स हमारी बॉडी में होते हैं ठीक है इन सेल्स के अंदर जब रिप्रोडक्शन मतलब यू नो डिवीजन होता है तो ये उसके बाद हमारी बॉडी में स्पर्म्स एंड एग्स बनाते हैं सो दे फॉर्म स्पर्म्स एंड एग्स लेकिन ये बना कैसे सेल के डिवीजन से तो बना और ये क्या है ये भी खुद सेल ही है तो स्पर्म एंड एग रिसीव ओनली हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम ऑफ देयर पेरेंट सेल तो सपोज इफ देर इज अ पेरेंट जिससे स्पर्म बनने वाला है और यहां से अगर एक स्पर्म बना है हमारा जिस जो एक सेल है तो अगर अभी इसको डिटेल में बताऊंगी तो इसमें केवल हाफ ऑफ द क्रोमोजोम ही आएंगे इट विल ओनली गेट द हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम फ्रॉम देयर पेरेंट सेल और हर क्रोमोजोम से एक पेयर जैसे मैं आपको सिंपल सी बात बताती हूँ कितने पेयर होते हैं हमारी बॉडी में दे आर ट्वेंटी थ्री पेयर राइट दे आर ट्वेंटी थ्री पेयर एक सेकेंड hmm. so अब क्या है ना ट्वेंटी थ्री पेयर ऐसे होंगे वन एक पेयर दो पेयर तीन पेयर चार पेयर पांच पेयर छवेंटी तो करते करते थ्री है ठीक है तो अब टोटल फोर्टी सिक्स आप इन सबको काउंट करोगे तो पेरेंट्स के अंदर जैसे ये पेरेंट्स के अंदर है सपोज तो टोटल पेरेंट्स के अंदर कितने होंगे फोर्टी सिक्स होंगे लेकिन बच्चे के अंदर ये दोनों नहीं आते हैं इसमें से एक आएगा 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 सो वन क्रोमोजोम फ्रॉम ईच पेयर ना आप बोलोगे तो बाकी दूसरा कहां से आएगा दूसरा मदर की साइड से आएगा ठीक है तो वन पेरेंट से अब इसमें द स्पर्म्स एंड एग्स जो हैं, उनमें क्या हुआ हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम आया तो आप देखिए स्पर्म के अंदर इतने सिर्फ ट्वेंटी थ्री हुए और सेम एग के अंदर भी सिर्फ ट्वेंटी थ्री हुए लेकिन जब ये दोनों मिलेंगे तो अगेन ये क्या बना देंगे फोर्टी सिक्स नंबर ऑफ क्रोमोजोम बना देंगे थोड़ा डिटेल में यहां पे पढ़ा देती हूँ बॉडी सेल्स में हमारी नॉर्मली फोर्टी सिक्स टोटल क्रोमोजोम्स हैं एंड ट्वेंटी थ्री पेयर्स हो गए अगर मैं पेयर्स में रखूं तो हमने अभी पढ़ा कि जब सेक्स सेल होते हैं चाहे वो जैसे मेल के अंदर मेन में क्या होगा स्पर्म होगा और फीमेल में वो एग होगा या ओवा लिख दीजिए या एग लिख दीजिए ठीक है तो इसमें से सिर्फ आधा आया ट्वेंटी थ्री आया इसमें से आधा है आप आपको पता चल गया ना कैसे आया क्योंकि ये दो थे पेरेंट्स में सपोज फादर की बात करते हैं तो इनका जो स्पर्म है उसमें केवल एक ही आया है राइट right? नाउ क्या हुआ अब यहाँ पे 23 है 23 है ना अगर आपको एग फर्टिलाइज करना है तो दोनों को मिलाना पड़ेगा तो एग फर्टिलाइज करने में एग प्लस स्पर्म मिलते हैं दैट मीन्स ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी तो ये दोनों एड हो जाते हैं एंड फाइनली जो नया बेबी आएगा उसके अंदर वही कंपोजिशन हो गई जो होनी चाहिए थी दैट इज फोर्टी सिक्स या आप कह सकते हैं ट्वेंटी थ्री पेयर ऑफ द क्रोमोज ये बात आपको समझ में आई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट या आप एट क्लास में भी पढ़ेंगे एट्थ क्लास में भी समझाया जाता है आपको एनसीआरटी में भी सी बी एस सी में जो आपका आईसीएससी है उसमें भी पढ़ाया जाता है ऑब्वियसली उसमें तो हम पढ़ ही रहे हैं बट दिस इज वेरी बेसिक जो पता होना चाहिए छोटी क्लासेस से ही ठीक है तो ये हमारा पूरा हो गया नाउ इस पार्ट uh, में हम लोग इतना ही करेंगे फिफ्थ uh, पार्ट में मैं स्टार्ट करने वाली हूँ सेल डिवीजन और सेल साइकिल बेसिकली उसके बाद हम लोग सेल डिवीजन पे जाएंगे नाउ ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए बहुत ही जल्द सारे नोट्स मेरी वेबसाइट पे आ जाएंगे दैट इज प्रेप विद हर्षिता एंड उसके साथ साथ आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं मोस्टली साइंस और एस पे वीडियोस बनाती हूँ मैं और ये वाली जो प्लेलिस्ट है ये टेंथ आई की प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी टेंथ सेक्शन में वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं थैंक यू सो मच हैव ए नाइस डे आई सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो एंड अगर ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए